बेसिकली हालांकि 1935 का जो एक्ट था इसको दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने, जिसमें कांग्रेस भी थी और मुस्लिम लीग भी थी, इन्होंने इसका अप्रूव नहीं किया था एक्चुअली, पसंद नहीं उसको किया था ऐसे कह रहे हैं, लेकिन द थिंग इज इवन देन दे सॉ सम एडवांटेजेस इन कंटेस्टिंग द इलेक्शंस ऑफ 1937। उसमें एक काम ये कह सकते हैं कि जो मुस्लिम लीग है वो अपने आप को लाजमी बात है कि एक ऑर्गेनाइज करना चाहती थी, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना चाहती थी एज अ पॉलिटिकल पार्टी, जबकि जो है कांग्रेस वो अपने आप को शो करना चाहती थी इन इलेक्शंस के जरिए कि वो रिप्रेजेंट करती है ऑल इंडियंस। और अब ये बात तो बड़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि मुस्लिम लीग जो थी वो अपने आप को लाजमी बात है कि चाहती थी कि उसको माना जाए कि वो एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो कांग्रेस है बेसिकली उसका व्यू ये नहीं था, वो मुस्लिम लीग को जो है एज ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी मानने को तैयार नहीं थी, बल्कि नेहरू ने कहा था कि इंडिया के अंदर सिर्फ दो ही पोलिटिकल पार्टीज हैं, एक है कांग्रेस और एक है ब्रिटिश। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बात थी, इस बात पर कायद आजम जो है ही वॉज रियली एंग्री और उनको ये बात लाजी पसंद नहीं आई, इसलिए वो चाहते थे कि इलेक्शंस जो है उसमें जो मुस्लिम्स हैं लाजमी बात है वो अगर मुस्लिम लीग को जितवाते हैं उसके बाद हम डील कर सकते हैं विद अ फर्म हैंड कांग्रेस को और ब्रिटिश को, चुनाव इनको हम डील कर सकते हैं विद वेमेंस।